good morning dear students so in our today's lecture we will study about a concept that is slip and skid so as in the previous lecture we will we were studying about the geometric design of highway and in under that also we were discussing the first element that is cross sectional highway right so in cross sectional uh, sorry cross sectional elements so as i told you in the cross section first of all what are the cross section elements so what are the various physical features on a highway they come under the cross sectional elements like the width of the pavement or we can say what are the pavement surface characteristics and the slope of the pavement so all these things come under the cross sectional elements and under cross sectional elements the very first type of element was pavement surface characteristics

तो स्लिप एंड आपको पता भी होगा सबसे पहले को को हम understand करते करते हैं हैं तो आपने आपने में जो भी drive करते हैं को, आपने to, vehicle, so जो भी देखा होगा कि इन ब्रेक आप अप्लाई करेंगे तो दे में अरेस्ट द व्हील फुली और पार्शली वो व्हील को फुली या पार्शली रोक सकते हैं तो उस वजह से क्या होता है सपोज ये पेमेंट का सरफेस है राइट और ये हमारा व्हीकल का व्हील है तो वैसे व्हीकल का व्हील क्या करता है रिवॉल्व रोटेट करता है ठीक है एक रोटेशन में वो कुछ उसके व्हील के सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है राइट बट व्हाट हैपेंस हैपन्स के केस में क्या होता है कि ये जो लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट है व्हील का राइट ये बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जितना व्हील रोटेट कर करके जाएगा राइट तो ये लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट ग्रेटर होता है स्कीट के केस में लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट ऑफ व्हील इज ग्रेटर देन दी लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट इज ग्रेटर देन दर्कम्फेरेंशियल मूवमेंट तो इस वजह से क्या होगा जो आपकी गाड़ी होगी व्हीकल होगी वो सीधा एक डिस्टेंस तक चलती जाएगी और उसी वजह से कभी कभी आपके पेमेंट सरफेस पे आपने देखा होगा स्किड मार्क्स भी आ जाते हैं जब गाड़ी स्किड होते हुए जाती है तो स्किड होना मतलब जब भी भी सडनली ब्रेक अप्लाई करने पर जो व्हील्स हैं दे ट्रेवल लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट मोर देन द दे सरकमफेरेंशियल मूवमेंट मतलब घूमने से ज्यादा व्हील ऐसे घूमने के बदले सीधा ही यूं होते हुए जाता है उसको हम कहते हैं स्किड ठीक है Next case is slip. स्लिप इसी का ऑपोजिट हो गया कि सपोज क्या होता है जैसे आपका ये व्हील है ठीक है और वो एक ही जगह पे घूमे जा रहा है और वो यहाँ पे लॉन्गिट्यूनल मूवमेंट कम आ, कर रहा है रेदर देन रोटेशन मतलब यहीं पे ये गोल गोल घूमता जा रहा है ऐसा कब हो सकता है कि आ, अगर सडनली आपका जो व्हीकल है वो किसी स्लिपरी सरफेस पे है और आप उसकी स्पीड एकदम से बढ़ा दे रहे हैं या तो उसे स्टेशनरी पोजिशन से उसको कुछ स्पीड दे रहे हैं या कम स्पीड से आप उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं या फिर अगर कोई लूज मड में मिट्टी में आपने देखा होगा

सेकेंड केस तो ये थी दो चीजें आपकी स्लिप एंड स्किट तो आई होप आपको ये स्लिप एंड स्किट का जो फंडा है ये क्लियर है कि uh, क्या होगा हमेशा हमेशा स्किड तब होगा द व्हील स्लाइड्स विदाउट रिवॉल्विंग ठीक है एंड द पाथ ट्रेवल्ड बाय द व्हील अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्मफेडेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील राइट और स्लिप ऑकर्स वेन द रिवॉल्व मोर देन द करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट अलोंग द रोड ठीक है स्किड में आपको एक और चीज बतानी थी स्किड भी आपके दो टाइप के होते हैं अगर आप एक स्ट्रेट रोड में सीधे लॉन्गिट्यूनल करते हैं लॉन्गिट्यूनल कर तो लेकिन एक और टाइप की स्किड होती है जिसे कहते हैं हम लेटर स्किड ठीक है अब आपको ध्यान आएगा कि हमने कल एक टर्म पढ़ा था कल मीन्स प्रीवियस लेक्चर में कि लेटरल फ्रिक्शन लेटरल फ्रिक्शन मैंने क्या कहा था कभी कब एक्शन में आता है जब भी हमारा जो वहीकिल है वो एक कर्फ को नेगोशिएट कर रहा है जब एक कर्व से गुजर रहा है हमारा व्हीकल तो उस उसपे क्या लगता है बाहर की तरफ एक सेंट्रिफिकल फोर्स लगता है और उसी को रेजिस्ट करने के लिए जो फ्रिक्शन कम्स एक्शन दैट इज लिटल फ्रिक्शन बट क्या होता है कभी कभी जब ये हमारा व्हीकल जो है ये कर्व को अंडरगो कर रहा है और इस तरीके से जब सरकम सर्कमफरेंशल मूवमेंट जो है सॉरी सेंट्रिफिकल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो व्हील्स क्या करेंगे बाहर की तरफ ये जाएंगे पेवमेंट के रोड के बाहर की तरफ ये बाहर जाएंगे क्योंकि उस

बाहर की तरफ जाएगा सीधा तो उस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो ये थे आपके दो टाइप ऑफ स्किड लेटर एंड लॉन्गिट्यूडर ठीक है तो आई होप स्लिप एंड स्किड इज क्लियर नाउ हमारा जो पेमेंट सरफेस हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे जो कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट था उसके अंडर हमने तीन हमने बोला था तीन चीजें होती हैं फ्रिक्शन अब जो नेक्स्ट है एलिमेंट वो है पेमेंट अनइवननेस ठीक है तो जो उसके अंडर नेक्स्ट आपका कॉम्पोनेट है किसके अंदर पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर तो वो है पेमेंट अब नाउ द नेम इज सजेस्टिंग कि इसका मतलब क्या है पेमेंट मतलब मतलब जो रोड का सरफेस सरफेस है है मतलब अगर आप देखें कि कोई भी प्लेन और उस कुछ आपको इस तरीके से अंडुलेशन दिख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अनइवन सरफेस तो इसका मतलब भी यही है कि पेमेंट अनइवेनेस मतलब जो हमारा रोड पेमेंट है उसमें कितने सारे अंडुलेशन है अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि परफेक्टली हमें uh, प्लेन रोड सरफेस मिल जाए क्योंकि कहीं ना कोई ना कोई डिजाइनिंग में भी कंस्ट्रक्शन uh, के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और एक बार अगर चलो अगर स्टार्टिंग uh, में पेमेंट सॉफ्ट भी है पूरा इवन है प्लेन है तो जब उसके ऊपर व्हीकल्स ऑपरेट करते हैं तो जब उनकी हाईअर स्पीड्स होती हैं तो उस वजह से क्या होता है आपका अंडुलेशन आ सकते हैं पेमेंट सरफेस पे राइट right? तो इसको हम कहते हैं पेमेंट अनिवेननेस अब पेमेंट अनइवननेस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं इसमें ये इंपॉर्टेंट है सो इट इज मेजर्ड बाई अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बम्प इंटीग्रेटर ठीक है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्योंकि प्रीवियस इेट एग्जाम दट वॉट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द अंडुलेशन इंडेक्स या अन ईवननेस इंडेक्स ठीक है तो वो होता है बम्प इंटीग्रेटर और ये हमको देता है किसी भी रोड का अन ईवननेस इंडेक्स ठीक है ये अनईवन इंडेक्स की वैल्यू देता है अब अनइवन इंडेक्स का अगर हम डेफिनेशन देखें सो इट इज द क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अंडुलेशंस वर्टिकल अंडुलेशंस ऑफ द पेमेंट सरफेस किसी भी पेमेंट सरफेस के ऊपर कितने वर्टिकल uh, अंडुलेशंस है पेमेंट सरफेस recorded recorded per unit horizontal length of road per unit horizontal length of road ठीक है तो बम्प इंटीग्रेटर आपको वैल्यू और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर किलोमीटर में मतलब सपोज ये कि रोड सरफेस है इसकी पर यूनिट किलोमीटर मतलब ये एक किलोमीटर है तो इस एक किलोमीटर में कितने इंड्यूलेशन हैं इन सबको काउंट करके जो वैल्यू आएगी वो देता है हमें इंटीग्रेटर सो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ क्यूमलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल इंड ऑफ द पेमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड तो जिस रोड का जितना ज्यादा अन अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू होगी इसका मतलब उसका सरफेस उतना ही ज़्यादा रफ है और उसमें आपको बहुत कम स्पीड पे ट्रैवल करना होगा और जिसका uneven index कम है इसका मतलब उसमें जो है 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 वो कम और और उसका surface उतना प्लेन है और आप हाई पे भी कर सकते हैं अगर एज पर आई आर सी हम देखें कि प्रेफरेबल वैल्यू क्या है uh, uneven index की, तो दैट इज वन फिफ्टी सेंटीमीटर पर किलोमीटर लेस देन लेस देन जो है लेस देन 150 ये लिख देते हैं से इंडेक्स की वैल्यू हम प्रेफर करेंगे कि 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम होनी चाहिए तो ये हो जाएगा आपका गुड पेमेंट सरफेस ठीक है अगर इससे कम वैल्यू है लेकिन अगर आपकी इसकी वैल्यू क्या है 150 से लेके 150 से लेके आपकी 250 तक है 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर तो ये होता है आपका सेटिस्फैक्ट्री मतलब इतना भी आपका चल सकता है बस आपको थोड़ी कम स्पीड इस पर मेनटेन करनी पड़ेगी लेकिन अगर इसकी वैल्यू थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा है तो ये हो जाता है आपका अनकम वेरी अनकम्फर्टेबल इस पर आप लगभग फोर्टी फिफ्टी की स्पीड से भी नहीं चल सकते अगर इतने ज़्यादा आपके जो है वर्टिकल एंडुलेशन हैं अगर अनिवन एस इंडेक्स की वैल्यू थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब दैट इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल पेमेंट और उस पर आपको बहुत ही कम स्पीड पे चलना होगा सो दिस वॉज अबाउट पेमेंट अनइवननेस अब जो हमारा पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो पेमेंट की सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने तीन चीजें पढ़ी पहला था फ्रिक्शन फिर था पेमेंट की अनइवननेस एंड लास्ट वन इज लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है तो लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से मतलब क्या है तो basically light reflecting क्या होता है कि आपका जो पेमेंट है वो जो गाड़ी से हमारी से हमारी पड़ रही है या फिर अगर दिन के जो उस पे जो एटमोस्फेयर की लाइट है वो उसको कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है अगर बात करें हम नाइट विजिबिलिटी की मतलब रात को पेमेंट कितना दिख रहा है तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस पेमेंट की कितनी लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट अगर आपका पेमेंट वेट है तो उसमें क्या होगा जो आपकी हेडलाइट्स की लाइट की रिफ्लेक्शन होगी वो ज्यादा होगी उसकी वजह से जो ग्लेयर होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ड्राइव पेमेंट है ना रात के टाइम पे अगर पेमेंट आप खुद ऑब्जर्व करेगा ड्राइव करते हुए अगर रात के टाइम पे पेमेंट पे पे जो सरफेस है वो वेट हो रही है तो हमारी हेडलाइट की लाइट से जो उस पर लाइट पड़ेगी पेमेंट पे में तो उसकी वजह से जो ग्लेयर होगा मतलब जो रोशनी आएगी वो वेट पेमेंट के केस में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ड्राइव पेमेंट ठीक है और अगर जो हमारा पेमेंट का कलर है वो लाइट कलर है या व्हाइट कलर का है राइट िटी तो देगा खास की के में, राइट? के में आपने देखा जो हमारे ब्लैक कलर के जनरली पेमेंट होते हैं तो क्या होगा वो आपका रेन के टाइम में आपका कम रात को विजिबिलिटी देगा क्योंकि वो डार्क रहेगा लेकिन वैसे अगर हम नाइट के टाइम के जो पेमेंट का कलर अगर लाइट कलर है व्हाइट कलर का है तो वो अच्छी विजिबिलिटी देगा राइट तो ये चीजें होती हैं कुछ आपके किसके अंदर आती हैं पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर राइट right? तो अब जो बाकी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर पढ़ेंगे टिल टुडे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट दैट इज पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कैम्बर के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज और भी पढ़ेंगे तो आई होप टिल नाउ द टॉपिक इज क्लियर टू यू इफ देर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी थैंक यू